बारे में ओवरव्यू दे देते हैं, उसके बाद फिर हम लिखाएंगे। सिग्निफिकेंट फिगर में सिंपली अगर हम समझते हैं तो यहाँ पे हमारा काउंट डाउन होता है। किसको काउंट करेंगे? डेसिमल सिस्टम को काउंट करेंगे। काउंट डाउन डेसिमल सिस्टम, ठीक है। अब हमारा कौन सा नंबर काउंट होगा, तो जिसको हम पहले आसानी से जानते रहते हैं उसको हम काउंट करेंगे, या फिर हम जिस नंबर के बारे में हम नहीं जान रहे हैं, अनिश्चित है, उसको हम काउंट करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा द नंबर विच आर रिलायबली मीन्स होता है आसानी से, रिलायबली नोन। और दूसरा पॉइंट हमारा द नंबर विच इज अनसर्टेन, जो हमारा नंबर अनिश्चित है उसको हम काउंट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमारा डेसिमल सिस्टम है, और डेसिमल सिस्टम हम लोग जानते हैं कहाँ से कहाँ तक होता है हमारा, 0 to 9 होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। ये 1 से लेकर के 9 तक जो हमारा है, ये हमारा क्या है, नॉन जीरो है। ये हमारा क्या है, नॉन जीरो है। नॉन जीरो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जांपल हम अगर इसको काउंट करते हैं तो 1, 2, 3, 4, तो ऐसा बराबर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वहीं पे सेकंड एग्जांपल देते हैं 2, 3, 9, 5, 6, 7, कोई भी नंबर हम इसमें देखते हैं तो कहीं भी जीरो नहीं है। सिंपली हम इसे क्या कर लेंगे, काउंट डाउन कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कौन बच गया, जीरो बच गया। तो यहाँ पे हम जीरो के बारे में देखते हैं, तो जीरो हम कहाँ पे प्लेस्ड है उस पे निर्भर करता है ये हमारा सिग्निफिकेंट होगा या फिर नहीं होगा। इट डिपेंड्स अपॉन वेयर इट इज प्लेस्ड। जीरो 3 प्रकार का होता है, एक हमारा लीडिंग जीरो होता है, दूसरा हमारा ट्रेलिंग जीरो होता है, और थर्ड नंबर हमारा ट्रैप्ड जीरो होता है। ट्रैप्ड मीन्स होता है फंसा हुआ। किसके बीच में फंसा हुआ, नॉन जीरो के बीच में फंसा हुआ। यहाँ पे 3 तरीका से हम देखेंगे, फर्स्ट नंबर हमारा ट्रैप्ड जीरो, दूसरा नंबर लीडिंग जीरो, थर्ड नंबर ट्रैप्ड जीरोज। या उस जीरोज को कहते हैं जो हमारा 2 नॉन जीरो के बीच में रहता है। वन जीरो थ्री फाइव सिक्स जीरो टू, यहाँ पे हम देखें तो ये हमारा 1 है, ये हमारा क्या है, 3 है। ये दोनों नॉन जीरो है, और नॉन जीरो के बीच में क्या है, जीरो है। तो ये क्या होगा हमारा, सिग्निफिकेंट होगा। ये भी हमारा क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। और सिग्निफिकेंट होने का मतलब है तो हम इसे क्या करेंगे, काउंट करेंगे। ये काउंट होगा, ये जीरो अगर हम देखते हैं तो ये भी हमारा 2 नॉन जीरो के बीच में है, तो ये भी हमारा क्या होगा, काउंट होगा। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बराबर कितना आ गया, 7 आ गया।
सेकंड एग्जांपल देखते हैं 3005 फोर, यहाँ पे देखें तो 3 है, यहाँ 5 है और ये यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा सर बराबर जो नन जीरो से पहले है। लीडर जानते हैं ना, लीडर मीन्स क्या होता है नेता, देखते होंगे जब भी हमारा रैली वैली निकलता है तो नेता आगे आगे चलता है और पीछे कौन चलता है, कार्यकर्ता सर, जनता ही काम का आदमी रहता है और नेता बाद में क्या हो जाता है, बेकाम हो जाता है। वैसे ही लीडिंग जीरो बेकाम है, मीन्स हम उसे काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे देखे नन जीरो से पहले रहता है, लीडिंग जीरो कहाँ रहेगा, नन जीरो से पहले रहेगा, 0032506 फॉर एग्जाम्पल। ये जीरो क्या है, नन जीरो से पहले है, इस जीरो को क्या कहेंगे हम लोग, लीडिंग जीरो कहेंगे। तो ये जीरो हमारा काउंट होगा, ये हमारा निर्भर सिग्निफिकेंट होगा, और ये जीरो हमारा कौन सा जीरो कहलाएगा, कहलाएगा नन जीरो के बीच में, 1 2 3 4 5 6 ऐसा बराबर कितना आ गया, 0.0350। यहाँ पे हम देखे तो ये दोनों जीरो हमारा भले कि यहाँ पे डेसिमल है बट हम इस डेसिमल को अभी कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारा दोनों जीरो क्या है, नन जीरो से पहले है और ये केसेज हम अभी समझाए नहीं है तो इसको मिटा देते हैं। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो सब बराबर क्या हो गया, अब तीसरा नंबर हमारा कौन सा जीरो है, जो हमारा नन जीरो के बाद हो उसे हम लोग कौन सा जीरो कहेंगे, ट्रेलिंग जीरो कहेंगे। यहाँ पे हम नन जीरो के बाद में एक एग्जांपल से पहले इसका दो कंडीशंस देखेंगे। इसमें हमारा दो कंडीशंस होता है, अगर हमारा डेसिमल के बाद जो है सो जीरो है तो वो हमारा काउंट होगा, अगर डेसिमल के बाद है तो वो क्या होगा, काउंट होगा, अगर विदाउट डेसिमल है तो वो हमारा काउंट नहीं होगा। ट्रेलिंग जीरो में दो कंडीशन देखेंगे, एक हमारा विथ डेसिमल और विदाउट डेसिमल हमारा क्या होगा, नेवर सिग्निफिकेंट। डेसिमल रहेगा तो हम इसे क्या करेंगे, काउंट करेंगे, और डेसिमल नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। हम एग्जांपल देख रहे हैं ट्रेलिंग जीरोस, हम बताएं अभी नन जीरो के बाद, ट्रेलिंग जीरोस नन जीरो के बाद, तो यहाँ पे 0100350670। अभी यहाँ पे देखते हैं ये जीरो हमारा कौन सा जीरो कहलाएगा, लीडिंग जीरो कहलाएगा। ये जीरो कौन सा कहलाएगा, लेफ्ट जीरो कहलाएगा। ये जीरो कौन सा कहलाएगा, लेफ्ट जीरो। और ये जीरो कौन सा कहलाएगा, ट्रेलिंग जीरो। नन जीरो के बाद ये हमारा ट्रेलिंग जीरो। और इस जीरोज में हम देखें तो नन जीरो तो काउंट होता ही है, कौन काउंट होगा और नहीं होगा ये सिचुएशन किस में आता है, जीरो में आता है। लीडिंग जीरोज कभी भी काउंट होगा नहीं, ट्रैप्ड जीरोज हमेशा क्या होगा, काउंट होगा। ट्रैप्ड जीरोज हमेशा काउंट होगा और यहाँ पे ट्रेलिंग जीरोज विदाउट डेसिमल है, ये क्या होगा, काउंट नहीं होगा। तो हम इसको क्या कर देंगे, अब काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। सेकंड एग्जांपल देखते हैं 0.05320। ये दोनों जीरो कौन सा जीरो कहलाएगा, लीडिंग जीरो कहलाएगा।
ये जीरो कौन सा कहलाएगा? ट्रेलिंग जीरोज कहलाएगा। और ये ट्रेलिंग जीरोज विथ है या विदाउट है? विथ डेसिमल है। विथ डेसिमल हमारा सिग्निफिकेंट होता है, तो हम इसको क्या करेंगे? काउंट करेंगे। और इसको काउंट नहीं करेंगे, डेसिमल के बाद है। लेकिन ये जीरो जो हमारा है, ये लीडिंग जीरोज है। नन जीरो के बाद जो जीरो होता है वो हमारा ट्रेलिंग जीरोज होता है। ऐसा कितना हो जाएगा? एक दो तीन चार पाँच, ऐसे बराबर ट्रेलिंग जीरोज विथ डेसिमल या विदाउट डेसिमल? विथ डेसिमल। विथ डेसिमल काउंट होगा या नहीं होगा? होगा। तो इसका आंसर है सब कितना हो जाएगा? थ्री हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कीजिए।